ये ना इसमें कुछ हो जाएगी। हाँ ठीक है, मिट्टी ना लूज नहीं इनकी। समझा दिया उसको। एक दो बार भरावा। पंडाल नमस्कार। स्मृति वन में पौधा लगाने का सिलसिला इस वर्ष भी जारी है निरंतर, और अच्छी बात है कोरोना के दौर में तो हम लोगों ने पौधे लगाए, लेकिन उसके बाद भी लोग आ रहे हैं। तो आज एक ऐसा ही पौधा हमारे बीच में ग्वाड़ी परिवार अपनी तरफ से लगाने आया है, और विनोद कुमार ग्वाड़ी जी, उनका बेटा शैलेश ग्वाड़ी, उनकी पत्नी प्रभा ग्वाड़ी और उनकी माता जी यहाँ पर श्री चैतराम ग्वाड़ी जी की स्मृति में एक पौधा लगा रहे हैं। और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे मित्र लगातार स्मृति वन को हरा भरा करने की अपनी 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 भूमिका के साथ सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ आज यहाँ पर गणेश उनियाल जी है, हमारे जो कोनाचा केंद्र संयोजक हैं, उनके परिचय है मैं और उनके मामा जी हैं, जैसा बता रहे हैं उनियाल जी। तो हमारा पूरा हम सब जो धात के साथियों का परिवार किसी न किसी बहाने स्मृति वन से जुड़ रहा है। हमारे साथ रीना सोपती जी का फैमिली भी आ जाई है, वो भी यहाँ पर पौधा लगाना चाह रहे हैं। ऐसी एक परिवार और है जो पौधा लगाने के लिए, तो इस तरह से स्मृति वन में सबका अपना अपना योगदान जुड़ा लगाता है। तो मैं चाहूँगा जिनके निमित्त आज है पौधा लगा है उनके बारे में उनके पुत्र विनोद ग्वाड़ी जी कुछ बताएं उनके जीवन के बारे में, और वो बताएं कि इस अभियान को कैसे देखें। मैं धार संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब मुझे स्मृति वन के संबंध में जानकारी मिली तो मुझे अपने पिताजी के स्वर्गीय पिताजी के निमित्त एक पौधा लगाने का अवसर धार संस्था की प्रेरणा से मिला, जिसके निमित्त मैं अपनी माताजी, पत्नी, पुत्र एवं अपने भाई साहब के साथ यहाँ पे हूँ। धार संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिताजी का देहांत 10 अप्रैल 2019 चैत्र नवरात्र के अवसर पर पंचमी को हुआ था। आज हमें ये अवसर इसी नवरात्र में मिल रहा है, जिसके हम जय धात संस्था के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद ग्वाड़ी जी। ग्वाड़ी जी ने जैसा बताया कि उनके पिताजी के निधन के 2-3 वर्ष बाद पौधा लगा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग समय पर पौधा लगाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि संडे को न केवल पौधा लगाने के साथ बल्कि लोग यहाँ पानी डालने, खाद डालने और निराई गुड़ाई करने भी आते हैं। तो सभी से निवेदन रहेगा जो भी हमारे साथ जुड़े हैं कि वहाँ हम हर रविवार को और इस गर्मियों के पूरे सीजन में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक उपलब्ध रहेंगे यहाँ पर, आकर के पानी डालने में, खाद डालने में, निराई गुड़ाई करने में आप सब लोग अपना श्रमदान कर सकते हैं।